हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष। तो मिलिए हुंडई की नई गाड़ी से जिसका नाम है हुंडई बेयॉन। हुंडई ने इस गाड़ी को यूरोपियन मार्केट्स में रिवील कर दिया है। इनिशियली ये गाड़ी हुंडई i20 एक्टिव को रिप्लेस करेगी इन मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट्स। हुंडई बेयॉन की प्लेसमेंट क्रेटा से नीचे एंड वेन्यू से ऊपर रखी जाएगी। डायमेंशंस पर अगर नज़र डालें तो हमें देखने को मिलता है कि हुंडई बेयॉन लेंथ में वेन्यू एंड i20 दोनों से लंबी रहने वाली है। चौड़ाई एंड व्हील बेस भी वेन्यू से बड़ा रहने वाला है। अगर हाइट की बात करें तो एरोडायनेमिक डिज़ाइन होने की वजह से हाइट कम रहेगी, जिससे कि बॉडी रोल फील नहीं होगा। डिज़ाइन की अगर हम बात करते हैं तो नई बेयॉन का डिज़ाइन काफ़ी हद तक अपडेटेड कोना से सिमिलर देखने को मिलता है, स्पेशली फ्रॉम फ्रंट, जैसे कि पतले DRLs एंड एरो शेप्ड हेडलैम्प्स। यही एरो शेप्ड थीम पीछे की तरफ भी देखने को मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। साथ ही 17 इंच के अलॉय व्हील्स एंड 183 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसके SUV स्टैंड्स को इन्हांस करती है। बात करें अगर इस गाड़ी के कैबिन कंफर्ट की, बियॉन का इंटीरियर देखने को i20 की तरह ही दिखता है। डैशबोर्ड का डिज़ाइन सेम है एंड फीचर्स भी i20 ग्लोबल की तरह ही है, जैसे कि 10.25 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बोस साउंड सिस्टम, सीट हीटिंग एंड कूलिंग, वायरलेस चार्जिंग एंड ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स यूरोस्पेक्स वाली बियॉन में आपको देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, हुंडई कई सारे एडवांस फीचर्स जैसे कि ड्राइवर रिटेंशन वार्निंग, फॉरवर्ड असिस्ट एंड लेन असिस्ट ऑफर कर रहा है इस गाड़ी के अंदर। अब बात करें अगर इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन की, हुंडई बेयॉन में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन एंड 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। टर्बो चार्ज इंजन में 100 PS और 120 PS का ऑप्शन है एंड साथ ही 48 volt माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम का भी ऑप्शन दिया गया है। 6-speed क्लच पैडल लेस मैनुअल एंड 7-speed DCT का ऑप्शन भी बियॉन टर्बो में दिया गया है। क्या ये गाड़ी भारत में लॉन्च होगी या नहीं, इस पर हुंडई ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है। मगर जिस तरह से भारत में कंपटीशन बढ़ रहा है, बेयॉन की प्लेसमेंट वेन्यू से ऊपर एंड क्रेटा से नीचे करी जा सकती है। प्राइस में ये गाड़ी प्रीमियम ज़रूर हो सकती है, बिकॉज ये सब 4 मीटर सेगमेंट से लंबी रहेगी, तो टैक्स का इम्पैक्ट भारत में ज़्यादा रहेगा कंपेयर टू वेन्यू। आपकी क्या राय है इस गाड़ी में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।